नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुगर स्टॉक्स का, बलरामपुर, द्वारिकेश, श्री रेणुका और अनवर शुगर। तो हम देखेंगे इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो मनी कंट्रोल पे दोस्तों कुछ दिनों पहले आर्टिकल निकला था कि लॉन्ग रन के लिए हमें शुगर स्टॉक्स को फोकस क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसका एक जो मेजर रीजन था कि साइक्लिकल इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री की तरह जब ये भागती है तो बहुत भागती है और फिर कई सालों तक ये वहीं की वहीं रह जाती है। तो एक ये चीज है इसमें, और शुगर प्राइसेस, प्रोडक्शन सप्लाई, इन सब चीजों की वजह से काफी डिपेंडेंट रहती है। डिमांड इनकी ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है। रिसेंट में जो इनमें राइज हुई थी उसका मेजर रीजन ये था कि ब्राजील में क्रॉप फेलर्स हो गए थे, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होगा, तो इस वजह से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और बाकी साथ ही दोस्तों, इंडिया में फार्मर्स को म्यूचुअल मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस मिलती है, तो इसलिए बहुत रिस्क नहीं है ज्यादा शुगर बनाने का भी। तो हो सकता है जब शुगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उनकी डिमांड और सप्लाई का रेशियो थोड़ा गड़बड़ हो जाए। तो ये सारी चीजों के बाद इन्होंने कहा है कि आप अगर इनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखेंगे तो बलरामपुर चीनी 2010 में 135 रुपए की थी, आज केवल 350 रुपए की है। श्री रेणुका शुगर्स भी 100 रुपए की थी 2010 में, 830 रुपए की है। तो उनके लॉन्ग रन की हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। तो इसलिए आप अगर शुगर इंडेक्स स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं तो केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही चूज करिएगा। साथ ही दोस्तों, अब मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आ जाता हूं। बलरामपुर चीनी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इथेनॉल बिजनेस पे अनाउंसमेंट किया है, ये काफी बड़े इसमें बेट करेंगे। चार्ट पे अगर मैं देखूं दोस्तों, तो शुगर स्टॉक्स अभी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्सोलिडेशन जोन में चले गए हैं अच्छी राइज देने के बाद। अब बलरामपुर चीनी की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका 338 रुपए के आसपास सपोर्ट निकल के आ रहा है स्ट्रॉन्ग। तो आप 330 के अराउंड का स्टॉप लॉस रखिएगा और टारगेट रखिएगा 380 का। ये और कोई ज्यादा हमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम क्लियर है। तो अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको दोस्तों स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 330 का और टारगेट्स लेके चलने हैं 380 के। ये इसमें सही स्ट्रेटेजी रहेगी ट्रेडिंग की। आइए दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं तो अनिल सिंह जी ने द्वारिकेश शुगर को लेके बताया था कि काफी वो बुलिश है, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है, ये पिछले हफ्ते की बात है। और अगर मैं देखूं दोस्तों, तो यहां पे देखिए कि BIS ने कहा था कि इन अ रीसेंट नोटिफिकेशन एडेड शुगर बैग्स इन द लिस्ट ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। तो इस चीज का इन्होंने ध्यान रखिएगा कि यहां पे इन्होंने थोड़े से वो चेंजेस किए हैं। तो जूट बैग्स अभी बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन शुगर मिल्स इंक्लूडिंग श्री रेणुका एंड द्वारिकेश शुगर हैव स्टार्टेड सेलिंग ब्रांडेड शुगर इन स्मॉल प्लास्टिक बैग्स। तो इस टाइप की चीजें आती रहती हैं बीच बीच में, तो अप्रूवल भी चाहिए इन्हें BIS से, तो यहां पे इनकी पैकेजिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। चार्ट पे मैं बात करूं दोस्तों, तो ये स्टॉक भी हमारा कॉन्सोलिडेशन जोन में चल रहा है, 63 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक पे पोजिशन बनाते हैं तो इसमें आपका दो तरीके है। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस अपना यहां पे रख के चल सकते हैं, स्टैंड 967 रुपीस के आसपास, तो थोड़ा सा बड़ा रीजन है तो 61 रुपीस का। टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 75 और 80 रुपीस के रहेंगे, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो या तो आप स्टॉप लॉस 67 के पास लगाइए या 62-63 के आसपास लगाइए, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो 74-75 पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद हम 80 से 85 के बीच में एम करके चलेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस द्वारिकेश को लेके। आइए दोस्तों, अब हम अदर देखते हैं, तो और देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर इसकी ही आजकल काफी न्यूज चल रही है, तो शेयर्स इनके बहुत भागे हैं, ईद पैरी, बलरामपुर चीनी और ये सबके। लेकिन इसमें क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट की काफी सारी पॉलिसीज आई थी एक्सपोर्ट और वो सारी चीजों को लेके, इथेनॉल पॉलिसी, इन सब चीजों की वजह से भागे थे। अब आगे क्या होगा इसमें थोड़ा सा दोस्तों वो डाउटफुल है, तो इसीलिए मेरा भी ये मानना है कि आप इसमें से थोड़ा सा बच के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के शुगर स्टॉक्स में मत करिएगा। उसका एक एग्जांपल है रेणुका शुगर, 10-11 रुपए से 50 रुपए तक गया था, अब ये वापस उसका आधा होकर 20-25 रुपए तक के आसपास ही चल रहा है। अब ऐसे स्टॉक में दोस्तों क्या किया जाए,
ऐसे स्टॉक में आपको अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा। मेरा मानना है ये वाली ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए, तो आप 26.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट हमारे आएंगे 32, 36 और 50 तक हम मैक्सिमम टारगेट एम करके इस स्टॉक में चल सकते हैं। तो इस स्टॉक में दोस्तों आपको स्टॉप लॉस रखना है 26.5 के अराउंड का। टारगेट हमारे आएंगे 30 से 32, 36 से 40 आप एम कर सकते हैं दूसरा टारगेट, और 50 रुपीज मैक्सिमम तक आप एम करके इस स्टॉक में चल सकते हैं। एक ये स्टॉक है दोस्तों अंडर शुगर्स, ये इसमें आज ब्रेकआउट के पास आ गया है, तो ये स्टॉक है जो थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर चला जाए। यहाँ पे देखिए ये एकदम ब्रेकआउट लेवल के पास ही खड़ा है, तो इस स्टॉक में आप 640 के ऊपर पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस जो ये कैंडल है इसका आपको हाफ में रखना चाहिए, तो ये कैंडल की आप लेंथ देखेंगे तो 585 से 640 के आसपास है, 630 में मान लेता हूं, तो 630 का 25 600 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अबव 640 करिएगा, स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है 600 के अराउंड, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे इसमें अगर इसमें ब्रेकआउट हुआ तो 700 तक के टारगेट्स को एम करके चलेंगे। एक बार मैं इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म पिक्चर भी देख लेता हूं कैसी है, तो लॉन्ग टर्म में यहां पे देखिए इस स्टॉक को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 700 से 720 के बीच का टारगेट आपके लिए सही रहेगा। 720 के ऊपर ये स्टॉक गया तो फिर आप इसमें 800 तक के टारगेट्स को भी एम करके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर हमारा पेज है ट्रेडिंग गुरुज के नाम से। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।